मुबारक हो आप व्रत में कुछ हेल्दी टेस्टी चटपट। गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। मैं चली अभी अपने पड़ोस के घर में क्योंकि वहां पे चल रहा है व्रत, और अगर व्रत चल रहा है तो व्रत का खाना भी रसोई में पक रहा है। तो आज मैंने सोचा कि मैं उनको रंगे हाथों पकड़ूं कि आज व्रत के दिन वो क्या खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं से ज़्यादा मेरा मतलब है वो क्या बना रहे हैं। तो जो बन रहा होगा वो हम सीखेंगे और आपको सिखाएंगे। सीखने की जो मेरी लालसा है ना, या कह लीजिए लालच है, वो मुझे हर घर की रसोई तक पहुँचा देता है। समहाउ मुझे रसोई में बहुत शिक्षा मिलता है। क्या कहना है आपका, मिलता है ना? चलो कहीं बन ना गया, मिक्सर चल रहा है, मिक्सर की आवाज़ आ रही है। पूजा हो चुका है यानी कि दीदी अभी रसोई में है। या दीदी, या दीदी, हो गया ना पूजा? हाँ। अभी किचन में थे? हाँ। मैं दूर से ही मिक्सर का आवाज सुन रही थी कि कहीं बन तो नहीं गया। फिर से हम बैठ वाली दीदी की रसोई में और राज के घर पे। तो यहाँ पे तैयारी हो चुका है। तैयारी इधर देखिए, यानी कि मूंगफली बहुत ज़्यादा मात्रा में आज यूज़ किया जाएगा। तो मूंगफली छिल करके रोस्ट कर लिया ना दीदी, इसको भून लिया है। ये क्या किया दीदी, इसमें क्या क्या है? सेंगदाना चकूट, बस और कुछ नहीं? कुछ नहीं, इसमें सेंगदाना यानी मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है। इतना सारा मिर्च वड़े के लिए, आमटी के लिए, दोनों व्रत का होगा? हाँ, बिना लहसुन। मुबारक हो आप व्रत में कुछ हेल्दी टेस्टी चटपट। हमारी बैल वाली दीदी गजब का खाना बनाती हैं यार। अब तक मैं इनके हाथ का बहुत डिशेस खाया है और मुझे लग रहा था ना कि ये चलाएंगी, मुझे लग रहा है कि ये चलाएंगी। चला चला दीदी ऐसे ना। हाँ। मैं क्या बता रही थी कि मुझे लगा था कि हर आदमी एक डिश या दो डिश अच्छा बनाता है, तो वैसे ही दीदी के हाथ की पूरी अच्छी होगी या बैंगन का सब्जी अच्छा होगा। लेकिन भाई साहब, ये जो भी बनाती हैं वो बहुत टेस्टी होता है, पता नहीं कैसे। बचपन में खाने का शौक था बनाने का कि बड़े होकर? बचपन में, बचपन से ही, तभी हाथ में स्वाद है। चलो। हाँ। दो आइटम यहाँ बन रहा है, साबुदाना वड़ा। हाँ। आणि शेंगदाणे की सब्जी। अच्छा, दोनों साथ में खाते हैं? हाँ, दोनों साथ में, खोबरी की चटनी, खोबरी की चटनी भी। हाँ। और सेंगदाणे का जो सब्जी है उसको आमटी कहते हैं? आमटी के पतला बनेगा। हाँ, पतला बनेगा। ये कॉम्बिनेशन देखो किलर है। हाँ, ये वड़े के साथ थोड़ा ग्रेवी वाला एक सब्जी जैसा होगा। इधर देखो, हो गया कुछ कुछ। आलू उबालकर उसको मैश किया है और उसमें डाला है दरदरा कूटा हुआ मूंगफली जो कि हल्का रोस्ट किया हुआ था। रात को भिगोकर साबुदाना रखा था वो इसमें डाल दिया है। बिल्कुल भीग चुका है, बिल्कुल। फिर इसमें डाल रहे हैं मिर्च का कूट। आप लोग व्रत में अदरक नहीं खाते? नहीं खाते। अच्छा, हर जगह अलग अलग होता है ना? वो अलग अलग। अब इसमें डाला नमक स्वाद अनुसार। हमारे यहाँ व्रत में सेंधा नमक खाते हैं, और या फिर नमक खाते ही नहीं है। हाँ, ते सेंधा नमक। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है बिना नमक का। 5 दिन का व्रत तो बिना नमक का हो ही नहीं सकता। आज 5 दिन, आज 5वां दिन है। हाँ। तो कल से खाओगे ना वहाँ? हाँ। एक खबर दे देती हूँ आपको, ये जो मैंने कहा था ना एक बार कि बैल है या घोड़े, ये वो जो बैल है ना इन्हीं के हैं। इसलिए इनको बैल वाली दीदी कहती हूँ क्योंकि इस गांव का सबसे फास्ट मुझे बैल अब तक यही दिखा है। दोनों, क्या नाम है दीदी बैल का? सुंदर और राजा। सुंदर राजा, ओह नाम जरा देखा, सुंदर यानी राजा। आई राजा तो हमारा राज है ना। हाँ, बैल का पन नाम जय है। बैल का भी नाम राजा है। राजा है। हाँ। तो ऐसा तीनों था राजा, आह आह, तो बैल ऐसे आ जाए। नहीं, बात बात में कुछ मिस ना कर जाए। ये
ताजा वाला नारियल ना दीदी, ये ताजा वाला नारियल है, गीले वाला फ्रिज में हमेशा रहता है, तो ये हल्का सा ड्राई भी हो जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, इसका टेस्ट अच्छा होता है। सूखा नारियल नहीं ना? सूखा नहीं, गीला नारियल इसमें डालेंगे। हाँ। ओके, इसमें गीला नारियल है। तो मैं क्या बता रही थी, बैल, तो इनके घर के बैल हो या इनके घर का कुत्ता हो, पैम्पर्ड है और बहुत एनर्जी है। आपका कुत्ता और बैल दोनों बहुत ताकत वाला और एनर्जी वाला है, अलग। दीदी का पूरा ध्यान नारियल पे है। भैया को बोलो ना कर देगा, बंद कर देना। लागल है तो झाला झाला। मैं पता है दीदी, काट काट के इतना छोटा छोटा निकालती हूँ, ऐसे गोल नहीं निकलता मुझसे, ऐसे मैं नहीं निकाल सकती। इसको ग्रेड करना है क्या? हाँ। इसीलिए आप इतने अच्छे से निकालना भैया। पांच दिन के व्रत में घर में अलग अलग रेसिपी होता है, तो आज मैंने पकड़ लिया बड़ी साबुदाने के पकौड़े बनते हुए, अदरवाइज साबुदाने की खिचड़ी, और तो मुझे पता नहीं। मुझे रात को हम लोग बैठ के आग सेक रहे थे, तो हमने सुना कि भैया यहाँ कुछ बन रहा है, मैंने कहा मैं आ रही हूँ। खाया बहुत है, बनाया कभी नहीं। है ना? मेरे बनाए हुए का देखो क्या हाल किया, मैंने बनाया बनाया, मैं जानती थी गड़बड़ है, फिर भी मैंने सोचा पास हो जाऊंगी, दीदी को दिया, दीदी ने शप करके उसको फिर से ठीक किया। मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं फिर से बनाऊंगी। ये छान के खड़ा? हाँ। अच्छा, ये हुआ कि ये भी गड़बड़ हुआ? अच्छा नहीं हुआ, मेरा दिल रखने के लिए दीदी ने उसको नहीं तोड़ा, बोला हाँ हुआ और कोई बात, तो मैं समझ गई मैं गड़बड़ कर रही हूँ। ये क्या फट जाएगा क्या? नहीं नहीं, बन जाएगा ना? बन जाएगा। उधर हम बना रहे हैं मूंगफली की सब्जी, यू कैन कॉल आमटी ऑल्सो, क्योंकि ये ग्रेवी है, आमटी की तरह पतला। मूंगफली की सब्जी बनाने के लिए तेल में डाला है हमने हरी मिर्च कूटकर, अभी डाला नमक, उसमें डाला मूंगफली जो हमने रोस्ट करके कूट के रखा था, उसमें डाल दिया पानी, ज़्यादा नहीं भूनना है मूंगफली को, क्योंकि मूंगफली भुना हुआ है, व्रत में हल्दी नहीं। हाँ, हमारे यहाँ भी नहीं, बिहार में भी नहीं, आमीपली जीरा नहीं, हल्दी नहीं। अच्छा, ये अब अच्छे से उबलेगा। इसको ना दीदी जैसे टाइट हाथ से बना रहे थे ना, बांध रहे थे टिक्की बनाते हुए, वैसे करना। अगर मेरे जैसा करोगे तो देखो ये हालत हो जाएगी कढ़ाई में। ये दीदी ने बनाया है, ये मैंने बनाया है, जो फूट के बॉम्ब की तरह बिखर गया है, तो टाइट हाथ से बनाने का। अब खाना बनाते हो ना तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भारी काम हो रहा है, पर हम बनाते हैं ना तो एक तो फैलाते बहुत हैं और दूसरा रोते रहते हैं बहुत काम है बहुत काम है। आप करते हो तो एकदम खिलौना लगता है, खेल खेल। कहने का मतलब कि आप बहुत अच्छा मेथड है आपका बनाने का, इसका खेत उसका पूरा खाना बना बना के ले जाने का काम। अक्कू की मॉम आई है पर दिखाना ना को जाले का। ए, यहाँ चाची बोलते हैं कि दूसरा चीज बोलते हैं? मैंने तो सुना ही नहीं महाराष्ट्र में किसी को चाची बोलते हुए। सब बोलते हो, मौशी, काकी, काकी। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। इसके साथ कॉम्बिनेशन में बन रहा है नारियल की चटनी, व्रत वाली। नारियल है, उसमें हरी मिर्च, अनी ना माँ बस ना, दही। अच्छा, दही डालेंगे। टिकट खाती का? हाँ हाँ, मिर्च भी अपने ही पेड़ का है। हाँ, इसमें नमक डाल दिया। मैंने बोला आपके सिर्फ दो हाथ नहीं है, आपके दो दो और दो और दो और छह, कितने हाथ हैं आपके? आठ दस। शी इज मल्टी टास्किंग। जला
वो सब मसाले नहीं पड़ेंगे, फोरन के जीरा काले मिर्च तो सिर्फ तेल डालेगा, अदरवाइज में आप जीरा राई करी पत्ता मिर्च का फोरन डाल सकते हैं। बैल वाली दीदी के घर का रेसिपी जो कि व्रत में ये बनाते हैं, और क्या खूब बनाते हैं। शी इज़ अ रियली गुड शेफ, अमेजिंग। तो आप लोग अगर व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तब भी ये बना सकते हैं। व्रत नहीं कर रहे हैं तो इसमें वो सब डाल सकते हैं ना, राई करी पत्ता अदरक वो सब आप डाल कर बनाओ, लेकिन अगर आप व्रत में हैं तो दिस इज़ रियली अ नाइस चॉइस। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे बैल वाली दीदी की रसोई में छापा मारते हुए, क्योंकि बैल वाली दीदी बहुत कुछ बनाते हैं और बहुत यम बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू। आप मुझे थैंक यू बोल रहे हो, बेचारी दीदी। चला। और मैं आपको फिर मिलेंगे अगली बार। आज के लिए इतना ही, राम राम, जय भारत। दीदी बिजी पर्सन है।